कि दुनिया सिख 2 करोड़ कहते हैं। द लार्जेस्ट पापूलेशन ऑफ द सिख कम्यूनिटी दिल्ली च। इत एक एक जो गुरद्वारा है वह अपने तौर पर भी एड्डा व्डा है, इन्ना उन्होंने कोल कम है, इन्नी उन्होंने चढ़ावा है, इन्नी उन्होंने सेवा कीतियां है कि दुनिया हैरान होती है भाई एक गुरद्वारा की कर सकता। बाबा बघेल सिंह ने जदों दिल्ली 1783 सिखा का हमला कर जितया तो उदों जिते च गुरुद्वार की संभाल उन्होंने मिली। जो 3 लीडर तुम ना लिया वो तीनों अकाली दल जी किसी वक्त मैं नोट किया भाई चाहे किसी पार्टी का है सिख उसका ध्यान जरूर गुरुद्वारा इलेक्शन वाल आता। बीजेपी का भी पूरा, जेडे बीजेपी सिख हैं उन्होंने भी पूरा, जेडे आप वाले MLA 3-4 वो इंडिविजुअली 100% इस इलेक्शन लगे। ये जो लंगर है गुरुद्वारे का इन्हें बड़ी इंपॉर्टेंस देती वर्ल्ड वाइड। देखो ये बड़ी वैसे वो सेवा सिख की जी है वो एक मुड़ के उभर के आ गई कि सिख सेवा करता। ऐसी लड़ाई ना लड़ियो कि इसका नुकसान सिख कौम नूं ज़्यादा होवे बजाय किसी इंडिविजुअल। दिल्ली सिख मैनेजमेंट गुरुद्वारा कमेटी दीयां चोणां होण जा रहीआं ने जिसनूं लैके हर पार्टी सियासी जी तोड़ शुरू कर दित्ती गई है। जे गल करिए दिल्ली दीयां तां मुख धारां दे जो पार्टियां ने सरना ने सिरसा साहब ने ते दूसरे पासे GK ने, सो जो सियासी बिगला बच चुक्या वा धार्मिक चोणां ने होण जा रहीआं ने, पर गुरुद्वारा कमेटी कदों होंद विच आउंदी है, कौन कौन मैंबर इहदा हो सकदा, कौन वोटां पा सकदा, गलबात करांगे। साडे नाल तरलोचन सिंह जी मौजूद ने, सबका चेयरमैन ने नैशनल मिनोरिटी कमीशन दे, सिख बुद्धिजीवी ने। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है बाबू शाही। श्री अकाल जी। चोणा हुण जा रही ने, ये बलजीत बल्ली सब तो पुराना पत्रकार जे जिन्ना नॉलेज उन्हों है और जिन्ना तुहाडी इस जिहड़ी अज ये वर्ल्ड वाइड तुहाडी पापूलैरिटी है बड़ी अच्छी गल है कि तुसी इंट्रस्ट लै रहे हो दिल्ली विच। इस करके कि दुनिया सिख 2 करोड़ कहंदे हैं, लेकिन जे कदी उसका अंदाजा लगाओ तो सब तो वध सिख दुनिया दिल्ली रहिंदा। किसी वक्त साड़ी आबादी 10 लाख सी, वो थोड़ी घट गई थोड़ी 84 करके, सो हुण भी द लार्जेस्ट पापूलेशन ऑफ द सिख कम्यूनिटी दिल्ली च इस, और दूजा दिल्ली राजधानी है देश की। तीसरा पिछले कुछ सालों तो ये जी गुरद्वारा कमेटी दिल्ली है ये आलमोस्ट पहला किस वक्त SGP सी वर्ल्ड बॉडी से हूँ इन्होंने वो पोजिशन अपनी ये ले ली। करांगे स्टार्टिंग तो गल आप स्टार्टिंग तो करते किस तरह होंद विच आई किस तरह दे हालात। देखो जो दिल्ली गुरुद्वारे इतिहासक हैं उन्होंने जी कंट्रोल करती है वह कमेटी है, अदरवाइज सैकड़े गुरुद्वारे हैं। और तुम घूमोगे ना मेरी तुम्हें होर राय है, जिम्मे मैं इतने रहा हूँ GK1 यू 5-स्टार गुरुद्वारा कहने। इतने एक एक जो गुरद्वारा है वह अपने तौर पर भी एड्डा व्डा है, इन्ना उन्होंने कोल कम है, इन्नी उन्होंने चढ़ावा है, इन्नी उन्होंने सेवा कीतियां है कि दुनिया हैरान होती है भाई एक गुरुद्वारा की कर सकता। इतने कई गुरुद्वारे अपने अस्पताल चला रहे हैं, स्कूल कई चला रहे हैं टॉप दे, हर चीज़ बड़ी इतने सेवा है। सो ये जो दिल्ली के गुरुद्वारे हैं इतिहासक तौर पर तो बाबा बघेल सिंह ने जदों दिल्ली 1783 सिखा का हमला कर जितया तो उदों जिते च गुरुद्वार की संभाल उन्होंने मिली, तो यह सारे गुरुद्वारे उदों के चलते आ रहे। अंग्रेज़ वक्त इतने बोर्ड अपॉइंट होंगे सी चलते आए, साड़ी सरकार आई वह भी बोर्ड बनाती सी, जिहड़ा गुरुद्वारा एक्ट है जिसके तहत ये अज तुसीं इलेक्शन दे 1971 का एक्ट बनया। 71 च दिल्ली गुरुद्वारा एक्ट ये पार्लीमेंट इंडिया ने पास किया, उस मुताबक इतने हुण इलेक्शन होंगे हैं और पहली इलेक्शन जी हुई इलेक्टेड वो 1975 विच होई। उस तो पहला गुरुद्वारा बोर्ड सन, सरकार अपॉइंट करती सी, कुछ गुरुद्वारियां सिंह सभावां आप रल के करते रहे, सो पहला मैनेजमेंट उदा ही चलती रही। लेकिन जिहड़ा असी इनू डेमोक्रेटिक जिहड़ा तुसी तुहाडा सवाल वो 1971 का एक्ट है जो इलेक्शन शुरू हुई 75 च पहली इलेक्शन हुई, जसवंत सिंह कोछड़ प्रधान बने और उदों तो ही जिहड़ियां पोलीटिकल पार्टियां या ग्रुप हैं उन्हां दे कैंडिडेट आउण लग गए, क्योंकि पंजाब विच अकाली दल शुरू तो ही हावी सी, सो अकाली दल का ही इत्थे हमेशा
रहा और अकाली दल दिया ही ग्रुप आते रहे। अज तुम हैरान हो गए कि जे तीन लीडर तुम ना लिया वो तीनों अकाली दल जी किसी वक्त किसी वक्त रहे तो इतने मतलब कि प्रभाव यही रहा क्योंकि इतने ना कांग्रेस पार्टी ना कोई होर पार्टी बीजेपी बिल्कुल नहीं किसी होर पार्टी का इंट्रस्ट नहीं अजक वो आप की हुकूमत है पर मैं नहीं पता कोई आप वाले लैन इस करके जिन्हें भी तुम्हें ग्रुप मिलने वो अपने आप अकाली कह सो हूँ बड़ी इंट्रस्टिंग है कि इन्होंने ये जो इलैक्ट करने 46 इलैक्ट होने हूँ जी इलैक्शन प्रोसीजर है उस तक वोटा बन दी हैं पर मैं जो मेरा अपना रुचि देखी है आम सिख वोट बनाने बहुता इंट्रस्टिड नहीं वजह की है तुसी करोगे इस करके कि जिहड़ा साडा गुरद्वारा निज़ाम है ये बड़ी देर तो धर्म घट पॉलिटिक्स ज़्यादा सो लोगों का यह होंगे भी गुरद्वारे से जाइदा धर्म के काम लिए इतने सारा दिन सियासत होती है यही एस जी पी सी होती है सो पब्लिक जी है अपनी वो इस गल करके लोगों का इंट्रस्ट घटिया भी इतने पार्टी बाजी है झगड़े होणगे हुण तुसी आप ही देखोगे किहो जिहे इल्जाम लगते हैं की करते हैं सो वोट बड़ी घट बनी जिहड़ी बनी भी है वह एग्जिस्टिंग मैंबर या उन्हें जिन्हें खड़ा होना उन्होंने जोर नाल बनी घर घर लोग आप गए वो जी वोट बनाओ वोट बनाओ वोट बनाओ वोट वालू भी आ जाने गल वोट वाली शुरू हो गई तो जो वोट बनानी हो पैरामीटर ने वो कुछ नहीं होंगे कि वोट बनाने लड़े को जी पहली वोट है असैम्बली पार्लीमेंट वह कार्ड होना चाहिए ताकि बेस बन जाए कि थोड़ी वोट है फिर आधार कार्ड चाहिए फिर जिते रहना वो रेजिडेंस का सबूत चाहिए सो ये तीन गलों वोटर जी दिल्ली सरकार है उन्हें बड़ी कोशिश की उन्होंने दफ्तर हर महल खुल गए जिमें साढ़े इतने गुरद्वारा जी के वन खुलिया लेकिन जिनी बनी जे वोट इतने बनी भी तो कटाई भी इतने भी बड़ा लहर चली है कि वोटा कटाओ क्यों वो कहना मैं खड़ा होना पहले मैंबर दी बनाई हैं सो वह भी एफर्ट हुई सो फाइनली लिस्ट आउट है पर बड़ी थोड़ी है तुम हम वेखो कि हल्क जाओगे कुछ हज़ार वोट तो ही हल्के कुल 46 हल्क वोटा पैनिया सो उन्हें तीनों ग्रुप बड़े जोर न खड़े हैं अगे वो देखो लोग की फैसला करते हैं पर एक गल बड़ी वड्डी है कि दिल्ली की इंपॉर्टेंस वेखते हुए देखो जिन्ने गुरुद्वारे वधिया इत्थे बने हैं और इंटरनेशनल दिल्ली टूरिस्ट सिटी है और हर बंदा हुण बाहरों जो मैं दिल्ली टूरिज्म का मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन रहा तो मैं पहली बारी 1989 बंगला साहब नूं टूरिस्ट मैप से पाता पहला गुरुद्वारा कोई हूँ जिन्हिया टूरिस्ट बसा है वह सारिया बंगला साहब होकर जाती तो उदों तो फिर असी लोगों को पता लग गया भी गुरुद्वारे की हूँ तो यह हो गया भी कोई फॉरनर आएगा वो गुरुद्वारा जरूर वेखे शीशगंज और बंगला साहब दो बहुत ही अट्रैक्टिव गुरुद्वारे हालांकि जोड़ा रकाबगंज है फंक्शन उत्थे होंगे क्योंकि स्पेस बड़ी है इस करके गुरुद्वार की बड़ी इंपॉर्टेंस है और बड़ी मेहनत हुई है जो आप कैंडीडेट की गल की जाए तो जोड़े कैंडीडेट ने चोणा लड़निया ने गुरद्वारा कमेटी दोणा लड़निया उन्होंने की पैरामीटर निर्धारित किए देखो जी मैं वो हैरान इस करके हाँ कि जिमें कोई वोटर नहीं ना बनता इवें कोई कैंडीडेट भी नहीं आता देखो जिन्हें रिस्पैक्टेबल मैं किसी आप छोटा क्यों कहीए लेकिन जे तुम ओवरऑल जाओगे ना तुम देखोगे भी उन्होंने कोई रिटायर्ड फौजी है कोई रिटायर्ड IAS है कोई रिटायर्ड प्रिंसीपल है कोई रिटायर्ड जज कोई वकील ना जिहड़ा या अमीर तबका वो बड़े आई रेयर ही मिलेगा तुम्हें इस करके कि जी रुचि है वो लोगों की है भी ये चुनाव जोड़ा है ये कोई की लैना हिस्सा बस सो इस करके वो जिन्होंने आप कही सिख इंट्रस्ट वो बड़ा घट नजर आता इंट्रस्ट घट नज़र आ रहा है दस रहे हो वजह भी दस रहे हो जो आप पैरामीटर की जिन्होंने उम्मीदवार बनो तो पैरामीटर निर्धारित किए गए वो अमृत छके होना चाहिए सिख होना चाहिए किस तरह कोई देखो जो अमृत छके होने का एक न कोई प्रूफ नहीं होंगे तुम मैं पूछो छकिया मैं छकिया की मंगोगे मेरे तो हाँ मेरी दाढ़ी केस ठीक होना चाहिए पतत ना हो हर कोई गुरमुख है पहली गल दूजा ये है कि जेडे कैंडिडेट चुने जाते हैं उस हल्के एक तो जात बरादरी वो साढ़े चो गई नहीं असी जरूर देखते हैं उस महल कौन है सो जी इतने रूलिंग पार्टी है ग्रुप सरसा जी का उन्हें तो आलमोस्ट जो पहले मैं कहना 80-90% वही करते जोड़े उन्होंने नाल पहला खड़े इस करके उन्होंने बहुत ही दिक्कत नहीं आई
थोड़े जे पांच दस ही बाहर ले ते बाकी दो ग्रुप हूँ दोनों देखो कमाल है तीनों लीडर प्रधान रह चुके इस करके उन्होंने नॉलेज बड़ा उन्होंने अपने हल्कियां जो बंदे हर किने हूँ तैयार कर ले तो ये तीन हो गए एक दो होर छोटे छोटे ग्रुप भी होंगे कुछ इंडिपेंडेंट भी खड़े होंगे सो इलेक्शन इंटरेस्टिंग होगी हूँ सत तक फार्म भरने हैं अठ नूं स्क्रूटनी नौ तो बाद विड्राल है सो दस तो तुसीं समझो कि यह पंद्रह दिन टोटल गहम हंगामी होनी है पर इको ध्यान तुसीं भी रखियो मैं भी रखदा कि कम से कम असी गुरद्वार का ना नूं क्योंकि इलेक्शन गुरद्वारे लिए वह मियार तो ना डिगे कि असी धार्मिक एक संस्था लई चुने जाते हैं सो धर्म नूं ध्यान जरूर रखियो सियासत नूं घट रखियो। गल फिर सियासत की तुसीं हुण कीती है कि धर्म नूं ध्यान च रखियो सियासत नाल रखो जे गल सरकारां दी कीती जावे तां सरकार चाहे केंद्र दी होवे चाहे दिल्ली दी उहदी किन्नी इंपोर्टेंस हुंदी है किन्ना कु विच रोल हो सकदा उहदा। देखो दिल्ली दी मैनूं नहीं पता कि केजरीवाल ने कोई इंट्रस्ट लिया हो एक गल मैं केजरीवाल नूं दात देना कि उहने इलैक्शन कराती लेट नहीं होण दित्ती पंजाब विच हुण तां चार साल लंघे पंजाब विच इलैक्शन हुंदी नहीं ना पहलां अकाली सरकार ने कराई हुण कांग्रेस उह वी चुप हो के बह गई पंजाब दी श्रोमणी कमेटी दस साल तो शायद बारह साल तो वही चली आ रही सो ये एक दिन भी जाया नहीं होने सो केजरीवाल है डन एंड दैट वे भी मैं इलेक्शन डिले नहीं कर सकता सो वो नाले उन्हें जो एग्जिस्टिंग रूल है उस मुताबिक ही करा रहा उन्हें अपने वालों कुछ नहीं किया और मैं नहीं उम्मीद कि आप वाले कोई कैंडिडेट खड़ा करेंगे वो इस गल के खिलाफ की जो इलेक्शन ने जो मैंबर जिते जाते हैं गुरुद्वारा कमेटी वो सियासी पार्टियां भी कितना कितने इफेक्ट पाते हैं वोट बैंक में क्योंकि जे उन्होंने वोटों की गल की जाए तो कितना कितने सियासी पार्टियां भी जरूर जुड़े होंगे। देखो हर सियासी आदमी सिख जो है वह इंट्रस्ट जरूर गुरुद्वारे वाल होता मैं नोट किया भाई चाहे किसी पार्टी का है सिख ध्यान जरूर गुरुद्वारा इलेक्शन वाल होता चाहे वो पार्टी हिस्सा लवे ना लवे पर इंडिविजुअली मैं इतने देखिए भी जोड़े कांग्रेस वाले भी है वो मैं दे एटलीस्ट अपने हल्के अपने दोस्त यार करके इन्ना क इंट्रस्ट जरूर सारिया का बीजेपी का भी पूरा जोड़े बीजेपी सिखन उन्होंने भी पूरा जोड़े आप वाले एम एल ए तीन चार वो इंडिविजुअली 100% इस इलेक्शन लगे पार्टी नहीं। जो 2017 तो पिछली इलेक्शन की गल की जाए तो अकाली दल ने पंजाब तो जो एम एल ए उन्होंने भी ड्यूटी लगा दी। देखो जी इलेक्शन पहला हुई ना क्योंकि मैं दिल्ली रहना जी हूँ पिछली हुई है वो अकाली दल पंजाब का नहीं आया जी उस तो पहली सी उदो अकाली दल वे बादल साहब आप ही आकर बैठ गए सारा पंजाब अकाली दल हल्किया वाइज लेकिन जी इस तो पिछली सी कोई भी नहीं टोटल वो जो पंजाब अकाली हार चुके थे उदो बाद हुई कोई नहीं आया ये गल कर रहे भी किन्ना इफेक्ट मैं वैसे नज़र नहीं आए हूँ पता नहीं तुसी देखोगे हालां तक पंजाब के लीडर दिल्ली कोई नज़र नहीं आए। जी आप गुरुद्वारा कमेटी की गल की तो गुरुद्वार तो अलावा होर कि इंस्टीट्यूट ये चलाते हैं। देखो एक गल दिल्ली सिखा का हालां भी बड़ा बोलबाला है बहुत देखो ये दिल्ली बड़ाई सिखा ने सन 47 तो पहला जो नवी दिल्ली बनी ये बनी शुरू हुई 1911 च ये सारे सिख ठेकेदार आए पंजाबों ये सैक्रटेट पार्लीमेंट ये सिखा ने बनाई और हैरान हो गए जो आज़ादी आई 47 जिहड़ा बाबा बजित्र सिंह सिख मेयर सी ना 15-20 साल सिख मेयर दिल्ली का रहा सो सिखा का बोलबाला इतों देखो भाई बड़ी वड्डी गल है कि सिख पहला मुख्यमंत्री दिल्ली का गुरमुख निहाल सिंह प्रिंसीपल सी कॉलेज का वो इतने पहला मुख्यमंत्री इलैक्ट होया सो सिखा का बड़ा बोलबाला रहा जे मैं समझदा कि इतने जो कॉलेज हैं साडे यूनिवर्सिटी वड्डे दो कॉलेज गुरु तेग बहादुर कॉलेज और गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज एक कामर्स का एक जनरल फिर माता सुंदरी कॉलेज कुड़ियों का फिर करोलबाग साडा गुरु नानक कॉलेज ये चारों कॉलेज यूनिवर्सिटी के बड़े टॉप हैं सो इन्हां दी बड़ा नाँ है। उस तो अलावा साढ़े को स्कूल हैं बड़े सिखा दे कदे इंडिया गेट ते बसंत विहार दो स्कूल जिहड़े एक क्रिश्चियन स्कूलों के मुकाबले दे सन हुण जे आ के साडे स्कूल फेल हो गए क्योंकि टीचर जे पहले भर्ती होंदे रहे वो कोई चंगे ना होए स्पर्शी होंदे रहे वरना दिल्ली दे सिख अदारियां इन्हां दा साडे इंस्टीट्यूशन दा
कल्चरल एक्टिविटी इतने बड़े सिख अगे हैं। वजह की समझते हो स्कूल तुम दस रहे से भी वड्डे लेवल दे सीगे जे कॉन्वर्ट स्कूलों का मुकाबला करते सिख वड्डी गिणती दे विच दिल्ली जो सीगे सिखां दी डोमीनेशन वड्डी गिणती फिर कि जिहड़ी सिख दी इत्थे डोमीनेशन रही इत्थे तुसीं हैरान होवोगे जिहड़ा फिक्की इंडिया की सब तो वड्डी संस्था उहदा चेयरमैन रौनक सिंह रहा भाई मोहन सिंह रहा रौनक सिंह का पुत्र रहा। सो सिख ने पर जो जो पंजाब का क्राइसिस मैं तो समझदा पंजाब की सियासत ने दिल्ली के सिख नूं मारिया भी जदों उत्थे क्राइसिस आउण लग गया एजिटेशन शुरू हो गई फिर ब्ल्यू स्टार आ गया उस तो बाद यक लख्त फिर दिल्ली के अपने कतलेआम सिखां दा हो गया। हालांकि दिल्ली के लोगों का कोई कसूर नहीं झगड़े पंजाब के ये शरदालू सिख नाल मारे गए उस तो बाद असीं डाउन ही चले गए। 84 तो बाद सिख की जिहड़ी इंपॉर्टेंस है वैसे सारे इंडिया च ही नहीं रही बावजूद जग मनमोहन सिंह के प्राइम मिनिस्टर बन दे बावजूद ज्ञानी दयाल सिंह के राष्ट्रपति होने दे सिख की एज सिख इंपॉर्टेंस बड़ी घटी सिख की इंपॉर्टेंस बहुत घट गई। जो गुरुद्वारे की गल की जाए तो इलैक्शन लगता भी वह जो रुतबा जो इंपॉर्टेंस मुड़ बहाल हो सकती है वाई नॉट। देखो मैं ये समझदा कि जी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी है ये सिखा को एक गोल्ड माइन देखो हूँ पिछे जे ये लंगर है गुरुद्वारे का इन्हें बड़ी इंपॉर्टेंस देती वर्ल्ड वाइड देखो ये बड़ी वैसे वो सेवा सिख की जी है वो एक मुड़के उभर के आ गई कि सिख सेवा करता। सो हालांकि जरा सिख दिल्ली का ये वर्ल्ड सिखा की पोजिशन बनाने रोल प्ले कर सकता। देखो कोई विदेशों चों आता उन्हें इतने आना गुरुद्वारे आता हूँ पिछे जे झगड़िया करके वो आने बंद हो गए वरना पहला रिवाज हुंदा सी कि प्राइम मिनिस्टर सारे वो भी गुरुद्वारे मत्था टेकते सी हूँ भी जाके मैं उही कहना नहीं मैं विदेशों की गल कर जिहड़ा विदेशी लोग है उन्होंने सिखा प्रभावित दिल्ली कमेटी कर सकती। सो ये दूजा दिल्ली ये जिहड़े बाहरले सिख हैं सारे उन्होंने भी बड़ी मदद कर सकती इन्हां कोल सरमाया इन्हों को लीगल पावर है ये करके मीडिया इत्थे है। सो दिल्ली कमेटी चंगी बननी और चंगे लोग आउण तां समझो वर्ल्ड वाइड सिखां दा प्रेस्टीज कमर करने ये बड़ी रोल प्ले कर सकते। क्वेश्चन बहुत जरूरी है मैं लगता भी अपन डिस्कस जरूर कर लेना चाहिए। किसानी अंदोलन चल रहा किसानी मोर्चा लग्या दिल्ली के बॉर्डर से लग्या पूरे देश अंदर भी फैल रहा सरकार ना भी कितने ना कितने टकराव हो रहा तो कि समझते हो भी वह रोल रहेगा इस इलैक्शन। देखो जिहड़ा किसान दा लड़ाई है पंजाब दी ये पंजाब सीमित सी पहला रही 3 महीने ये फिर पता नहीं किवें उठ के दिल्ली आ गए बॉर्डर से ये समहाउ इकनामिक लड़ाई सिख लड़ाई बन गई। मैं तो बड़ी बारी बोलिया भी हाँ भी इन सिख लड़ाई ना बनाओ ये नुकसान होएगा पंजाब के सिखां नूं भी पर ये असी कुछ साडा रोल कुछ बाकियां दा कुछ साडे आर्टिस्टां दा कि एक हुण सिख इशू बन गया हुण जदों सिख इशू बनिया दिल्ली का सिख बड़ा श्रद्धालु है। देखो दिल्ली का सिख खेती नहीं करता बिजनेस कम्यूनिटी है इत्थे लेकिन उसने अपनी हदों वध बार्डर से बैठे सिखा की मदद की हूँ जो मैं रहना इतने GK1 साढ़े इतने कोई घर नहीं जिन्हें पैसे कट्ठे किए कंबल किए कारा भर भर के लोग लेडीज जा। सो दिल्ली के सिखा ने बार्डर बैठे सिखा की मदद करन जी कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे ख्याल अपने हित तो वध किए। सो उदा जी रुचि है वह सारी समूह सिख कम्यूनिटी की उसी गुरुद्वारा कमेटी ने भी बड़ा रोल प्ले किया लेकिन हर सिख जिहड़ा है जिहड़ा हालांकि पॉलिटिशियन नहीं रिटायर्ड है इत्थे मैं वह भी मिलिया फौजी अफसर दूजे हर जगह असीं जाइए किसानां दी गल हुंदी। सो किसानां दी जिहड़ी सिंपथी है वह दिल्ली बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं भी इन्हां इलैक्शनां ते जरूर फर्क पाउणगे ये मैं नहीं कह सकता कि वह किस शेप विच पाउण क्यों किसान तो आउणगे नहीं उन्हां दा पॉलिटिक्स नहीं हैगा लेकिन ये जिहड़ियां हुण लड़ रहे लोग इहनूं किस तरह वरत सकदे हन गल वक्री है लेकिन आम सिख जिहड़ा है जे उहनूं कोई गल पुछणा होवे भी दिल्ली दे उह मैं समझदा कि उह प्रो एजिटेशन जिहड़ी फार्मर दी है तो उन्होंने फार्मर लीडरां दी कदर भी पाई है बड़े खुश होंदे ने उन्हां नूं मिल के फोटो खिचा के। हाँ ये मैं नोट किया है कि आम जगह किसान लीडरां दी कदर है।
जो गल एस जी पी सी की की जाए तो एस जी पी सी ते दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की फर्क आ दोवे दे? देखो एस जी पी सी 100 साल हो गए और ये 75 तो शुरू होए, ये 45 साल हो गए। जिहड़ी एस जी पी सी किस वक्त वर्ल्ड बॉडी से, पर वो समा हो जो उहदी शोहरत सी वो साडियां रिलीजियस लीडर्स ने गवा ली। वो टू मच पॉलिटिक्स चले गए, टू मच कल्ले पार्टीबाजी नहीं, पार्टीबाजी दे भी एक ग्रुप नाल चले गए। सो उन्होंने जिहड़ी एक रिस्पैक्ट सी वो नहीं रही जिहड़ी पहला होनी चाहिए सी। और साडे जिहड़े धार्मिक आगू उन्हां दी इनवॉल्वमेंट जिहड़ी पोलिटिकल गल्लां च ज़्यादा हुई, उन्हें सानू सारियां नूं एक निराशा वाला काम श्रोमणी कमेटी तरह है। उहदे श्रोमणी कमेटी ने कोशिश भी नहीं की कि वो अपने आप को सही रूप में सिखां दी धार्मिक आगू बनन। तो उत्थे दिल्ली वाले ने मेहनत ज़्यादा करके ज़्यादा इंपॉर्टेंस लै ली। सो मैं दिल्ली कमेटी नूं विजा विच श्रोमणी कमेटी कि हालांकि ये बराबर नहीं है पर ये बराबर तो भी अगे निकल गए। ये मैं वेखण मेरे च है कि इन्होंने जिन्ने समागम किए, तुसी हैरान हो गए कि सन 75 ज्ञानी जी पंजाब के मुख्यमंत्री से गुरु तेग बहादुर जी 300 साल जन्मदिन आया, ना जन्म नहीं शहीदी दिन आया। इतने रामलीला ग्राउंड फंक्शन होया, लौंगोवाल भी उस आप बैठा, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का बैठा, इंदिरा गांधी आई। मैं कहा 4-5 लाख सिख होना, एडा वड्डा समागम और इंदिरा गांधी वर्गी प्रधानमंत्री। वो जो बोली फिर उन्हें भी कहता कि मेरे बुजुर्गों ही जो पंडित हैं मैं उन्हीं की औलाद हूँ, जो कृपा राम है जो मैं वही हूँ। मेरे को एडा वड्डा। सो ये दिल्ली के लोगों हूँ, दिल्ली वाले ने बंदा बहादुर मनाया, दिल्ली वाले ने गुरु ना जो शताब्दियाँ मना के इतने भारत सरकार की इनवॉल्वमेंट होती है और जो दुनिया उन्होंने पब्लिसिटी होती है वो दिल्ली में बड़ा एडवांटेज। कह रहे हो कि एस जी पी सी तो सियासत भारी होगी, पर सियासत की जो गल की जाए तो सियासत तो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी से भी है। नहीं वो ये होर तरह की है, जिहड़ी वो है वो सियासत जुड़ी है असैम्बली दे प्रधान इत्थे, वो नहीं जुड़ी दिल्ली का कोई सियासत जिहड़ी है वो लोकल लैवल की सियासत, वो जिहड़ी एस जी पी सी है वो जिहड़ी सियासत करती है तुहानू ज़्यादा पता। और मैं बहुत उस पर गल कहना नहीं चाहता। कल जो आप गल सियासी लीडरों की की जाए तो भुंदड़ साहब नाल बैठे थे जो सिरसा साहब ने कैंडीडेट अनाउंस की, कौन नहीं मैं और नहीं मैं उस बारे मेरा कोई बया इन्हें मेरे कमेंट नहीं है इन्हों के ना मैं कमेंट करता। मैं लोकल जी थोड़ी इलेक्शन उस बारे नहीं कुछ। एक लास्ट जाते जाते गल करते हैं भी गुरुद्वारा कमेटी की इलेक्शन 25 तरीक रखी गई है आ रहे हैं, तो किस तरह का माहौल जो 2 शब्दों के समप करना? देखो मैं ये बेनती करदा कि जिन्हें तुम भी आए हो ये सिख नूं बड़ा मौका दिल्ली वालों कि माहौल शांति वाला हो, ये वो ना हो जो पंजाब असी वो मैं तो मैं शर्म आ रही है करके मैं कह के एक बीजेपी MLA जाके असी कपड़े लाए किया उदा इतने बड़ा माड़ा असर जे बार खास करके सिखा सिख समझदा कि एक उत्थे बीजेपी नहीं वो हिंदू सिख तो उन्होंने सिख कट्ठे होके वो जो इंप्रेशन आया साढ़े तेजे भी किसी ने सो मैं सारी दिल्ली का सिख उस गल तो नाराज़ है। सो मेरी अपील है कि दिल्ली विच सिखां दी ये इलेक्शन एक नवा सबूत देवे कि इहदे च वोटां मंगो, मीटिंगां करो, जलसे तो हो ही नहीं सकते, दिल्ली च बैन हो गए हुण छोटे, लेकिन जिहड़ी इल्ज़ामबाजी घटिया किस्म दी ना करो, इहदे च ना करो कि सिखी मरदी होवे, ऐसी लड़ाई ना लड़ियो कि इहदा नुकसान सिख कौम नूं ज़्यादा होवे बजाए किसी इंडिविजुअल। जे ये असीं साबित कर दईए तां ये सारी दुनिया दे गुरुद्वारे इलेक्शन बाहर भी होंदियां, बार पुलिस जाती गुरुद्वार कनेडा अमरीका देखते हो कोर्टा, सो जी हाल ना इतने होवे। असी इस इलेक्शन नू एक मॉडर्न इलेक्शन बना के दिखाईए कि असी देखो किवें इलेक्शन लड़ते हैं, तो असी जिहड़े लोग आवांगे बड़े आराम नाल साडा मिदा की है, ये जी थोड़ी जी माहौल कायम करन तुसी मीडिया इहदे ज़्यादा रोल प्ले कर सकते। दिल्ली चुनाव हुण जा रही ने, गुरुद्वारे दियां तो कामना करते हैं कि शांतिपूर्वक होण, आपसी भाईचारा जो बना के रखा जाए। ये नाले दस रहे हैं कि दिल्ली के सिखां की जो गिणती सी बहुत ज़्यादा सी, उच्चे अहुदियां ते सन, पर सियासत इस तरह भारी हो गई कि अज सिख जो कितने कितने पिछे नज़र आ रहे हैं। दिल्ली तो कैमरा परसन आकाशदीप के नाल रवि जखू।
लेटेस्ट न्यूज़ दे लई साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो ते साडी लेटेस्ट वीडियो दी नोटिफिकेशन दे लई बैल आइकन दबाना ना भुलियो।